नमस्कार, मैं हूँ अक्षय आनंद और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन। आज पटना से लेकर बिहार के कई जिलों पर आईटीआई छात्रों का गुस्सा फूटा। दरअसल बार बार परीक्षा रद्द होने और पिछले परीक्षा का नतीजा अभी तक ना आने को लेकर छात्र नाराज हो गए। छात्र अपने सेंटर्स पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि परीक्षा इस बार भी रद्द हो गई है, जिसके बाद पटना, रोहतास, मुजफ्फरपुर, गया समेत बिहार के कई जिलों में आईटीआई परीक्षा देने जो छात्र आए थे वो नाराज हो गए और जोरदार प्रदर्शन किया। राजधानी पटना में आईटीआई के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार के विरोध में सड़क जाम कर नारेबाजी की। छात्रों के प्रदर्शन के बाद अशोक राजपथ पर लंबा जाम लग गया। छात्रों का कहना है कि बार बार परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, इसके बाद परीक्षा कैंसिल कर दी जाती है। इसके चलते छात्रों का पैसा भी खर्च होता है और समय भी खर्च होता है। इधर छात्रों का हंगामा देखते हुए पुलिस बल मौके पर पहुंची और छात्रों को काबू में किया गया। हम लोग मतलब कह रहे हैं कि एक ही एग्जाम को बार बार क्यों दे, हम लोग रिजल्ट जारी किया जाए। हम लोग फोर्थ सेमेस्टर के हैं, मार कोई यही पीटा पड़ता है कहीं भी। हम लोग सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से, कोई मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से, सहरसा, मधेपुरा, सब बाहर बाहर से आया हुआ। किस चीज का एग्जाम? हम लोग एग्जाम नहीं देंगे। हम लोग क्या क्या कर रहा है कॉलेज प्रशासन? एग्जाम है कॉलेज प्रशासन क्या कर रहा है? कोई प्रशासन नहीं कर रहा, मारपीट कर रही है हम लोग के साथ में, कुछ नहीं कर रहा, कोई हेल्प नहीं है। कहाँ पे कॉलेज है, किस कॉलेज में? आईटीआई से जानी था, आईटीआई सराय, बीएन कॉलेज में सेंटर है। वहीं बक्सर में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे आईटीआई छात्रों ने शहर की वीर कुंवर सिंह चौक को जाम कर दिया। इस दौरान अगजनी करते हुए सीएम नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री मुरादाबाद के नारे लगे। छात्रों का आक्रोश इतना भयंकर था कि वीर कुंवर सिंह चौक पर नगर थाना पुलिस इन छात्रों को रोकने में नाकाम होती रही। आगजनी कर रहे नाराज छात्रों ने बताया कि धीरे धीरे उम्र बढ़ते जा रही है मगर विभाग बार बार परीक्षा कैंसिल कर देता है। यहां तक कि पिछले बार के परीक्षाओं के भी रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। तो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इन छात्रों ने लगातार जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार के कई जिले इसका शिकार हुए, लेकिन छात्र भी परेशान है। हर बार अपने खर्च पर सेंटर्स पर पहुँच रहे हैं और यह सूचना मिल जाती है कि परीक्षा एक बार फिर रद्द हो गया है। बहरहाल देखना होगा कि सरकार आगे इन छात्रों की नाराजगी को कैसे दूर करती है। लेकिन बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।